नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। झारखंड सरकार 30,000 युवाओं को देगी रोजगार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार आने वाले 6 महीनों में 30,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएगी। राज्य सरकार के नौजवानों को रोजगार देने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री बुधवार को दुमका में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमंडल स्तरीय मेगा परिसंपत्ति वितरण कैंप को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहली बार विभिन्न विभागों की नियुक्ति नियमावली बनाई गई है। हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि आदिवासियों मूलवासियों को सरकारी नौकरियों में तरजीह देने की व्यवस्था है। वहीं राज्य में अवस्थित निजी कंपनियों में भी संचालकों को 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस नियुक्ति नियमावली में बदलाव किया गया है। अब पहले शारीरिक परीक्षा होगी, फिर लिखित। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत स्वरोजगार के लिए सब्सिडी पर 25 लाख रुपए तक का लोन सरकार दे रही है। साथ ही राज्य की 80% आबादी ग्रामीण परिवेश से आती है। ऐसे में जब गांव मजबूत होंगे तभी प्रखंड, जिला और राज्य सशक्त बनेगा। जनहित जुड़ी योजनाओं से कोई वंचित न रहे, इसलिए आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से गांव गांव और पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर आपकी समस्याओं का निष्पादन और योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि झारखंड की भौगोलिक संरचना थोड़ी जटिल है। सुदूर और दूर दराज के गांव में रहने वाले ग्रामीणों को सरकारी कार्य अथवा योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रखंड या जिला मुख्यालय आना पड़ता है। यहां आने के बाद भी अगर उनका कार्य नहीं हो पाता है तो उन्हें काफी मानसिक पीड़ा होती है। वे योजनाओं का लाभ लेने के बाबत सोचना भी छोड़ देते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर सरकार आपके द्वार पर आकर कल्याणकारी योजनाओं से आपको जोड़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। आप सभी के सहयोग से राज्य के विकास को गति दी जा रही है। हम एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जहां किसी के सामने रोजी रोटी का संकट नहीं होगा। इसके साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गठन के कुछ ही महीने हुए थे कि कोविड-19 महामारी ने हम सभी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। लॉकडाउन लगा और लोग अपने घरों में कैद हो गए। ऐसे में भी राज्य सरकार की योजनाएं धरातल पर उतारी गई और आज जीवन सामान्य होने की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई उद्योग और प्रोत्साहन नीति बनाई गई है। इस नीति को उद्योग जगत की काफी सराहना मिल रही है और वे यहां उद्योग लगाने की इच्छा जता रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग यहां स्थापित हों और स्थानीय लोगों को व्यापक रोजगार के अवसर मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला मंडलों के द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं उसके प्रमोशन और बाजार के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है। समारोह में संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले 6 जिलों के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। कुल 28,45,759 लाभुकों के बीच 11,27,52,91,894 रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। शिविर में 1,423 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने होड़ सोमवार संथली पत्रिका का विमोचन किया। मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, कृषि मंत्री बादल, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक प्रोफेसर स्टीफन मरांडी, नलिन सोरेन, प्रदीप यादव, बसंत सोरेन मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव मौजूद रहे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।